चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, यूनिफॉर्म डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक। रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक। एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक, आपने लिख लिया। फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस, ठीक, एक डिस्क है जो टर्न अबाउट द एक्सिस बोल रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन मतलब भाई जो एक्सिस होती है, पासेस थ्रू इट सेंटर, वही मतलब जो एक्सिस होती है उसी की बात कर रहा है, ठीक। अब बोला क्या है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड। एक टॉर्क है जो आपको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन देता है, इट्स नेट एक्सेलरेशन बताना है। अब ये बताओ टॉर्क तो लगेगा कैसे, टॉर्क कैसे लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं भाई इसको घुमाओगे कैसे, ऐसे टेंजेंट से ही तो खींचोगे, तो इसका टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और ये बॉडी रोटेट कर रही एक तरीके सर्कुलर मोशन कर रही तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास दोनों एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रिपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा, तो दोनों आपको निकालना है। और देखते हैं कैसे निकलेगा, अब देखते ही है कैसे निकलेगा, और देखते हैं। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है, ठीक, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियस कितना दिया 50 सेंटीमीटर, तो 10^-2 और ये हो गया 2, बोलो सही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, बोलो सही है, और 1 × 0 = 10^-2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ 1 का स्क्वायर। अब तुम्हें डिमांड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r होता है, चाहे तो आप r⍵² भी बोल सकते हो। रेडियस कितना है 50 × 10^-2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, किसी तरीके ओमेगा पता चल जाए तो सेंट्रिपिटल भी पता चल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे निकलेगा, इधर हम थोड़ा सा बोर्ड साफ करें, ठीक है। अब देखिए, अब हम इधर बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं। देखो बच्चों सीधा सा एक काम करो, आप मोशन की पहली इक्वेशन लो, क्या हो जाएगी, बोलो सही है, ऐसा हो जाएगा v = u + at टाइप का। इनिशियली क्या है, रेस्ट है ओमेगा, ठीक। अल्फा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, समय कितना दिया है 2, तो कितना हुआ 2 × 2 = 4 हो गया, कितना हो गया 2 × 2 = 4, ये आपका ओमेगा आ गया, तो कितना आ गया 4। अब यहां पर रख दीजिए 4, यहां पे क्या ओमेगा स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 0.5, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको हम बोलेंगे 0.5 1/2, और ये 16 हो गया, कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 8, तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया 8 रख दो, बोलो सही है। अब बच्चों 8 का स्क्वायर + 1 का, ये अप्रॉक्स क्या 8 आएगा, क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर अगर देखो तो 1 ही होगा, तो लमसम 8 आएगा, क्योंकि उस हिसाब से कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है हमारा, सही है, क्लियर हुआ, लिख